हबाब जी वकार अपनी आखिरी हाजिरी और मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मुस्तफ़ा नात वो शायर अहमद अली हाकिम साहब आपको माइक देने जा रहा हूँ। इस जुमले के साथ पीरो मुर्शिद की बारगाह में मैं हाजिरी पेश कर रहा हूँ। जो जो बंदा किसी भी पीर का मुरीद है वो मोहब्बत के साथ बोलेगा सुभान अल्लाह। समात फरमाइएगा कि जागण हो जिनानू जाग लगी सौण वालिया दे भाग सदा सुते रहंदे। जागण हो जिनानू जाग लगी सौण वालिया दे भाग सदा सुते रहंदे। कोई कोई जागने दी जोगी प्रीत दिंदा बहुते रांझियां नू लगे कुत्ते रहंदे। सानू कमी नहीं कोई रहन दिती साई कुतब पाक साडे सिर दे उत्ते रहंदे। मंगते हो सरदार दे हां यारो मौजा मान दे जिना दे कुत्ते रहंदे। मौजा मान दे जिना दे कुत्ते रहंदे और लजपाल खजाने ओ खैर देंदे। दर दर ते सखी नहीं पौण दिंदे कख भन के दूरा निकदे कीता भुखा फेर भी साई नहीं सौण दिंदे। भई बदल कड़कदे रहण कदूरता दे छप्पर रखियां दा नहीं चोण दिंदे। बड़े करम ने शाकर सखियां दे किसे थां शर्मिंदा नहीं होण दिंदे। बड़े करम ने शाकर सखियां दे बड़े करम ने शाकर सखियां दे किसे थां शर्मिंदा नहीं होण दिंदे। और आखिर में यूं ही कहूंगा कि कुतुब पाक साईयां तेरियां रहमतां दी कोई हद कोई अंत शुमार ते नहीं। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह के कुतुब पाक साईयां तेरियां सिफतां दी कोई हद कोई अंत शुमार ते नहीं। जग जानदा है डुबियां बेड़ियां नूं तेरे घर बाजो कोई तारदा नहीं। सखिया तेरे दवारे दियां कुत्तियां नूं कुत्ता समझ के ओ शेर ललकारदा नहीं। तैयां बन गया मैं भी सग तेरा हुण पक होया है कोई मारदा नहीं। हुण पक होया है हुण पक होया है हुण पक होया है कोई मारदा नहीं। इन्हीं कलमात के साथ मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना खूबसूरत अंदाजो आवाज के मालिक नात गो शायर मोहतरम जनाब अहमद अली हाकिम साहब आपको दावत नात देता हूँ। आप अपने खूबसूरत अंदाज से खूबसूरत आवाज में लजपाल करीम आका की बारगाह में नौकरी पेश करेंगे। आप मोहब्बत भरा नारा बुलंद कीजिएगा। नारा तकबीर बाबाज़े बुलंद बोलिए मेरे वीर नारा रिसालत बोल बोलो नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी यार जिंदा सोबत बाकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुरान सुन के दिल ठरिया इस तो वड्डी नात किसे नहीं आउंदी। थोड़ा जा गिरे गिरे हो सकता क्या बात है थोड़ा जा एम हल्का जा भला इन्हां दा अगेरे होना वेख तू क्या बात नहीं जागदे तो हैं उन पिछला नगा भी तो करना है ना किसी ने खुला दे भी जेडे बुजुर्ग ने उन्होंने इजाजत है उठ जिथे बैठे बैठे रहन मैं जवाना दी गल की आ टीपी जेडी बैठी थोड़ी मेहरबानी करो जरा गिर होया क्या बात है भाई सुनिया ना तो खिसकना ही है। अच्छा ਉਸਕਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਕੋ ਅੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਵੀ ਜ਼ੌਕਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਪੜ ਗਏ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਪੜਿਆ ਇਹ ਬਲਾ ਕਮਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਮਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋ ਮਜਾਲ ਹੈ एडी वड्डी तुसां मतलब महफल का इहतमाम किया लाइटिंग लगाई टेंट लगाया दरिया बिछाइया ये जिस दिन का मिलाद अदे मुनक्किद होया उस दिन तो लग के इश्तहार छपे लगे। अच्छा एक गल तो दसो जो बंदा सुभाला बोले चलो दरी भी ना कट्ठी की उसी ना सीधी की उसी ना टेंट लाया उसी बस वह बंदा सुभाला बोले जिस दिन उन्होंने खबर मिली है भी मिलाद होना है उस दिन डिडू राजी होया उस वाला के इतनी खुशी थोड़ी है कि सानू सरकार दा जिक्र सुन के चेहरे ते जरा खुशी आ जाती है ते
बाकी काम तो यो नौकरी आवनी है। मैनु इस गल का पता है, मैं छोटी जी गल करके दस दो कलाम पेश करना, अज लम्मा चौड़ा मकसद नहीं, नहीं गल ठीक है, पर अद्धा अद्धा घंटा कर लेने, दो दो साल अज अद्धा घंटा अगले साल हो रहा। हाँ जरूरी तो नहीं, बंदा मुड़ मत्थे भी लगना होंगे एक तो मतलब ठीक। मैं अर्ज करना पे भी एक गल छोटी सुन लो, उस बाद मैं शुरू करना गा दो तीन अशार। हजरात आते ना कि दिल्ली के रस्ते ते खूह आ, तो एक बजुर्ग उनका ना हयात मोहम्मद, वो ना पानी पीवेंदा लगते टपते, एक अल्लाह का वली गुजरिया, उसने उस पानी पीवाया। मैं जल्दी ना गल मुकाना, तो उस पानी पी के आख्या मंग हयात की मंगना है, उस अगो हाथ किया जी जो तुहाड़ी मर्जी दे दो। हाँ उन्हें आख हाथ अगे कर, उस हाथ अगे किया, उन्हें उंगली नाले में हिक पा छड़िया, उन्हें रोजाना एक रुपया बचन लग पाया। कुछ दिन बाद एक होर वली गुजरिया, उन्होंने पानी पीवाया, उस अगर मंग की मंगना, उस अगर जो तुहाड़ी मर्जी, उस हिक के नाल इस पासे सिफर ला छड़ी। दस लभन लग पे रोजाना। कुछ दिन बाद एक कुतब गुजरिया, उस अगर पानी पियाया, उस अगर खुश बड़ा होया, मंग की मंगना, उस अगर जो तुहाड़ी मर्जी, उस अगर हाथ कर, उस हाथ किया, उस एक सिफर होर पा दी, उस सौ लभन लग पे रोजाना। कोई एक वली होर गुजरिया, उस पानी पिवाया, किस्सा मुख्तसर, उस अगर मंग की मंगनी, उस अगर जो अता करो, उस हाथ किया, उस एक सिफर होर पा दी। हूँ उस बंदे हयात मोहम्मद न रोजाना 1000 रुपया मिले, उनका कारोबार चलन लग पे, गलबात गई, माड़ियाँ महल बड़े माल मंडियाँ बड़ा कुछ बन गया। उस खूह की खिदमत जानी की थी, पानी के पीवाने हूँ 1000 लगता है। उस जनाब आपके माल रोल पै गया, उनके को दौलत बड़ी आ गई, वो जिक पाया हा वो एक दे गुजरिया। उस को पानी होर पीवा पाया, उस अगर इतने बंदा एक होर होता पानी पीवाने वाला, उस अगर उन्हें तो कारोबार ही बड़े चल गए, बड़ा अमीर हो गया, हूँ अगली गल नहीं रही। उस अगर मैंने वो मत्थे ला सकना, उस अगर जी आओ, उस अगर और मैं तेन सियाण लिया, तू बंदा जो मैंने पानी पीवाया, तो मैं चाहना कि एक हाथ तुरा विखा मैं, उस अगर हाथ किया, उस एक मिटा छड़िया, एक मिटा छड़ा, पिछे सिफर की तो वक्त ही कही है, वो तो एक की वजह सारिया ठीक आई हैं, तो जो एक मिटिया ना तो पिछे कदर ना रही सिफर की, वह मुड़ पौते लगा है। हाँ जी ये जड़ा एक है ना, ये मुहम्मद है, बाकी सिफर नमाजा हजा जकात सारिया इबादत ने, जे एक हट गया ना तो इन्हों की वकत है। लिहाजा दुआ की करो याला मेरा एक बच जाए, बाकी सब ठीक, वरना सिफर की क्यों बात। ढलती रात कि दिल कर रहा कि दुरुदे पाक पढ़िया जाए, ना ना लोहिया जवाब करने एडी लोड़ भी कही नहीं पी। सल्लल्लाहु अलैका या सलीम साहब बैठे माशाल्लाह। वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। कंडे लावंज अजमन कंडे लावंज अजमन तारियां नूं तेनू नूद
दे बेड़े दवास ताई जिन्हों मिले आए काबा कौसैनी उते उस कोल ते नेड़े दवास ताई जिन्हों मिले आए काबा कौसैनी उते उस कोल ते नेड़े दवास ताई जेड़ा हथ जबरील दे भेज दसे मौला उस सनेड़े दवास ताई कासा भर दे हाकिम वर्गिया दा तेनू नबी दे वेड़े दवा सताई कासा भर दे हाकिम वर्गिया दा तेनू नबी दे वेड़े दवा सताई बलगल लुला बिकमाल ही कशफत दो जा बेजमाल ही हसुनत जमी ओ खिसाल ही मुकद्दर वाला बोले सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि मेरा दिल करता है व आलिहि ते एक नजर एक सुबाई करा तो फिर नात पढ़ दे ए मैं बल मैं थाने कौन सुनानी है ए जे तुसी ना ना सुनी ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਐਨਾ ਜ਼ੋਕ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਨਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਾਕ ਨਵਾਸੇ ਦਾ ਡੂੰਗਾ ਬੇਲੀਆ ਸਾਂਗਾਈ ਬੋਵੇ ਨਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਾਕ ਨਵਾਸੇ ਦਾ ਡੂੰਗਾ ਬੇਲੀਆ ਸਾਂਗਾਈ ਬੋਈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਲਈ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਲਾਂਗਾਈ ਬੋ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਲਈ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਲਾਂਗਾਈ ਬੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿਲ ਹਾਕਿਮ ਤਾਂ ਗਾਈ ਬੋਵੇ ਅੱਖੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮਾਂ ਗਾਈ ਬੋਵੇ ਅੱਖੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਬਈ ਬੂਹੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਦ ਕਰਨੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਦ ਕਰਨੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਦ ਕਰਨੀ
इबादतां शुमार होंदे। बेटा जी वीडियो तुसी बना रहे हो माशाल्लाह, तैनूं उहदे दी तवार नहीं है बना रहे। अच्छा जिस तू बैठे ना माशाल्लाह कमाल बैठे, भावे थोड़े हो पर दिल दे थोड़े ना बने। मजमा थोड़ा फिर मसूम मैं से थोड़े बैठे, नहीं थोड़े नहीं हो तो थोड़े भी नहीं हो। पहला शेर मैं तुहानू दे रहा जो कैमरे तो इधर बैठे, एक शेर इन्हों का, दो ही शेर पढ़ने दरवाजे दे मेरे हाथ वाल वेखने। है पाक जहरा, है पाक ज़ैनब, हुसैन पाके हसन भी पाके। है पाक जहरा, है पाक ज़ैनब, हुसैन पाके हसन भी पाके। अली दा सारा घराना जलिया, तहारतां विच शुमार होंदे। अली दा सारा घराना जलिया, तहारतां विच शुमार होंदे। अली दा सारा घराना जलिया, तहारतां विच शुमार होंदे। जो पक्कीजगी की गवाही दी जाए बड़ा जरूरी हो जाता है। पिछू कुरता फटिया यूसुफ का, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का कुरता पिछू फटिया, लेकिन वह पंगूड़े जोड़ा बाल है वह कुरान पे वह बोल है वह तरतीब सुजीब लाई है। बच्चे आख्या जे तो कुरता अगू फटिया तो मुड़ यूसुफ का कसूर है, तो जे कुरता पिछू फटिया फिर जुलेखा का कसूर है। इस गवाही दे छड़ी गल जल्दी ना, तो जो ये यूसुफ बड़ा होया फिर मिस्र का बादशाह बनया, तो फिर कैद पिया, तो फिर गंदम लैन वास्ते लोग आए, तो ये एक बंदा च बोलिया उस दूए नूं मण मण दिंदा पिया तो मैं दो मण लैने नहीं। उस तू की लगना तू चोखा लग कुछ किया की कर तू दो मण किस गल लेना। उस क्या जो तेरे मगर इल्जाम लग्या ना तो मैं पिंगे च तेरी गवाही दी पक्की। खुदा का ना जो पकीजगी की गल हो तो गवाही आ चुके की देनी चाहिए, मन तो बाद लभ जा अगले जान। जब लफ्ज़ तहारत आवे हाथ चुकना हजे नहीं। है पाक ज़हरा, है पाक ज़ैनब, हुसैन पाके हसन भी पाके। अली दा सारा घराना जलिया, तहारतां विच शुमार हो। अली दा सारा घराना जलिया, तहारतां विच शुमार होंदे। वारी तुहाडी आ गई ते इस सेज विच विजे ए वी आंदे सारे आंदे एसे सारे आंदे। नबी नूं भुल के अली नूं भुल के तू कल कयामत नु किथे जासे, तू कल कयामत नु किथे जासे। ओ याद रख ली नबी दा बुआ, अदालतां विच शुमार हो। याद रख ली नबी दा बुआ, अदालतां विच शुमार होंदे। याद रख ली रख ली नबी दा बुआ, अदालतां विच शुमार होंदे। वाह जी वाह, या रसूल अल्लाह। हुण ना इन्हां दा ते ना इन्हां दा मुश्तरका शेर है। रात हिजरत दी नबी मक्का छड़ना चाहता है, अल्लाह आंदा है इस मक्के च तुसी चले जाओ, रात तुहानूं कतल कर दिता जासी, अज रात हमला होना है तो तुसी चले जाओ। नबी पाक की उम्र 40 साल, तो जिन्हों बिस्तर से लिटाओ उनकी उम्र 19 साल। हुण 40 साल 19 साल लिटाओ है, 19 साल वाला कह सकता से हजूर मैं तो जे निका,
ते मैनू तलवारां थले क्यों छड्डी जांदे हो, मैनू नाल लै चलो। पर पुछण गल दे रज़ीन पाणी है। ते अली ने सिर्फ इक्को ही सवाल कीता नबी पाक दी बारगाह, या रसूल अल्लाह तुसीं मैनू जो आपदे पिस्ते ते सवाऊ ने ते अज रात हमला होणा है, काफरां तुहानूं कतल करना चाहुंदे ने ते मैनू छड्डी जांदे हो, सिर्फ मैनूं इह दस दिओ वी मेरे सवण नाल तुसीं बच जासो। की सुणदे पे, किस टाइम सुणदे पे? फरमाया हाँ बच सकना। फरमाया फिर तुसीं जाओ, मैं जाना ते ए जाना। एक तो हो गया ए गल। एक ओदी मसीते ऐलान हुंदा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फलां वल्द फलां फौत हो गया, उनके जनाजे दे ऐलान बाद कीता जाएगा। बंदा पुछे जी बाद क्यों कीता जाएगा, अगे नूं अजे नवाणा भी तां है, अड़ा मरिया पिया। अगे जे नवावेगा कौन है? मां साडा मौलवी साहब। मैं कहा हजूर दा, हजूर दी फरमान, सरकार दा फरमान है, आली शान है कि मरण आले दा करीबी गुसल देवे ते ज्यादा सवाब है। ये शरई हुक्म दी गल कर रहा पिया। ये मैनू इसे दस दौ कि जब नबी पाक दुनिया तो परदा किया तो फिर नबी पाक दा करीबी कौन निकलिया? यार तुसी थोड़े ने सुभान अल्लाह बोलते पे, अद्धी रात थोड़ी जोड़ी मोती करता पे, तो तुसी सवाल कुछ गल नहीं कर रहे। नबी दे बिस्तर ते लेट जाना ते जात अहमद नु गुस्ल देना, एक कुर्बतां विच शुमार हुंदे, फजीलतां विच शुमार हुंदे, नारे तकबीर, कुर्बतां विच शुमार हुंदे, फजीलतां विच शुमार हुंदे। आखरी शेर है, दरवाजे दी बारगाह। शोहरे जहरा दामाद अहमद ते पिदरे हसनो हुसैन हाकिम, अली दासानी जहां ते लबना हमाकतां विच शुमार, अली दासानी जहां ते लबना हमाकतां विच शुमार होंदे। क्या बात है, ए अंदर भी दोबारा पढ़ो, थोड़ा भी वोट है। शोहरे जहरा दामाद अहमद ते पिदरे हसनो हुसैन हाकिम, अली दा सानी जहां ते लबना हमाकतां विच शुमार होंदे, हमाकतां विच शुमार होंदे। काका पूरे हो जाण दस दे, आपां नूं लम्मा पढ़ना है, जिते ठीक दस दे पूरे हो जाए। हालांकि की करना है, लंगर इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। हज़रत दरवाजा हो गया, एक शेर शहर की बारगाह, शहर मुस्तफा है, अली दरवाजा। हूँ मैं दरवाजे टापे आया, शुक्र है मैं ठीक निकलिया, तलाशी दी थी दरवाजे से, उन्हें कहा तू जा सकना, मैं कहा ठीक है जी मैं जा रहा। जेड़ा बंदा दरवाजे पर अड़ गया ना, आज वे वे जो उर्स लगते ना, तो निका दरवाजा लगता उसे पुलिस वाले खोते होंगे, सिक्योरिटी वाले उन्हें इधर भी चुला उन्होंने जी मैं बड़ा शरीफ बंदा सक भावे जेडा शरीफ इन्हें चुला। इस वास्ते हुज़ूर ने अली ने बुआ बनाया भी जेडा भी शरीफ इधर अली को लांगे। नारा तकबीर, बोलो बोलो नारा रिसालत, बावाज़े बुलंद बोलो नारा हैदर। जेड़ा भी शरीफ है ना अली को लांगे, तलाशी दे के आ, मैं तलाशी दे आया, तुसी माशाल्लाह दे ली अल्हम्दुलिल्लाह, नी तू ठीक आ सर, मेहरबानी की थी मौला ने किसान हुजूर तक जावन दिता। बंदे बड़ी जल्दी ना अल्लाह नु टक्कर लेंदे ने, ना हुजूर नु मिलना चाहते ना अली नु मिलना चाहते ना, नहीं जी साड़ी फ्लैट ही सीधी है, कमाल नहीं। मैंने ये दस पता नहीं, मैं नहीं आता किसी मैं पता हूँ तुम बाहर निकलो, पता जो बंद पता हम वजू भी है कि नहीं है, उस पान कद है, सिगरट पीती की किया है, साढ़े जिया हजार चगलों अल्लाह ने मुहम्मद की खातर मुँह ला लिया। नहीं कभी समझा तू भला अल्लाह ने साड़ी की लोड़ है, वो एडा वड्डा है। नबी अगर मुस्तफा दुनिया ते ना होंदे कुछ भी ना होंदा, एक यार की खातर
हर चबल ना गल करनी पौंदी। मतलब की दुनिया की है, अल्लाह ताला है ते मतलब है कि सर यार दी खातिर उंदी सुन ली, उंदी सुन ली। कोई उंदा नूर है, कदी उंदा बशर है, कोई उंदा तूरू सुनदा, कोई नेड़ू सुनदा, कोई उंदा अली एडा नहीं, कोई उंदा सदीक एडा नहीं, कोई कोई रोले ओ पै रह रब दा नाम ते ओ सुणी जांदा उंदा कमीने कि नहीं मैं तैनूं मुहम्मद वास्ते पैदा कीता, तुसीं किहड़े रोले नूं पै गए। खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते, जे दाद ना आई तुहाडे कोल दाद मुक्की गई। खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते, उस दर दयालम क्या हो सी। खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते, उस दर दयालम क्या हो सी। खड़े होण फरिश्ते जिस दर ते, उस दर दयालम क्या हो सी। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਬਾਨ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਸੁਬਾਨ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ। ਐਲੇ ਸਟੇਜ ਐਲੇ ਪੰਡਾਲ, ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਦਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾਜ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮੈਨ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਅਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮੈਨ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਹੋਵੇ ਅਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮੈਨ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਬੱਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਸਭ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲ ਬਰਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦਿਲ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲ ਬਰਦਾਇਆ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਮੁਹੱਰਮ ਆਈ, ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ। ਖੈਮੇ ਪੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਨੂੰ ਖੈਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੈਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਅੱਬਾਸ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ, ਜੀ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਦੀ 22,000 ਹੈ, 30,000 ਹੈ, ਲੱਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾ, ਆਪੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੈਮੇ ਪੱਟ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਟੱਪਣਾ ਗਾ ਟੱਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਬਾਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ 30,000 ਨੂੰ ਲਕੀਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ? ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੈਮੇ ਬਾਬਾ ਦੁਰੇਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰੇਡੇ ਗਾਇਣ, ਉਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਲਾਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਬੱਚਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ੌਕ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਹੁਲਕ, ਅੱਜ ਹੁਲਕ ਪੈ ਸੁੱਕਦੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਪਿਆਬ, ਸਕੀਨਾ ਮੰਗਦੀ ਏ ਕੀਤਾ ਪਿਆਸ, ਨਿਠਾਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਸਗਰ ਦਿਆਲਮ, ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਸ, ਨਿਠਾਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਸਗਰ ਦਿਆਲਮ, ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ, ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੋ ਹਾਕਿਮ ਜੈ ਨੌਕਰ ਦਿਆਲ, ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੋ ਹਾਕਿਮ ਜੈ ਨੌਕਰ ਦਿਆਲ, ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਮਦ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬੀਬੀ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਮਿਨਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸੱਦ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਬੀ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਦ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਖਲਾਸੋ ਅਤੇ ਦੋ ਅਜਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਦੋ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬੀ ਤੋੜਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਬੀ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੇ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੇ। ਆਮਿਨਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣਾ,
मैं भी हाथ चुकने का तू सभी चुकना जो मेरे हाथ जा मैं चाहवा थानू खड़ा कर लवा नहीं बैठे रहना पर हाथ ही खड़ा करना है तू ए कुल तौकीर दा हासिल तू आए ततहीर दा हासिल आमिना ऐसे आ चुकना है अल्लाह आप गवाए न तै जी कोई पाक दामना आमिना अल्लाह आप गवाए न तै जी कोई पाक दामना सदर भाई तवज्जो करना जरा मक्ता शायरी नु जरा थोड़ा ब्रेक तो समझना हर हाकिम तेरा दम भरदा तेरे सामने जी जी करदा आमना तेरी नौकरी करनी सानू कोई होर कामना आमना तेरी नौकरी करनी किना किना करनी तेरी नौकरी करनी सानू कोई होर कामना इस कलाम तो बाद मेरे को पांच शेर नहीं रहा हूँ पढ़ना पड़ा ये है मैं हूँ पढ़े आम बीबी हली आम हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा ये नबी पाक दी सक्की अम्मी हूँ मैं उस माँ नूं पढ़ना है दो शेर जिहड़ी सक्की तो नहीं है पर है माँ अंगूठा चुम के अखा तलाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चा साई कैसी गल मैं फिर झूठ बंदा नहीं बोल सकता चा साई है तो बोलो जी आई तो नहीं आई जी आई है तो तू एक बार चुम के आना मैं चार साइए दिन चार साल चुमे उनकी गल ही क्या बोल उन अज मैं पहली बार ना जिन्हें चार साल चुमे तो हूँ मैं एक शेर मैं आदि तुम देना जो मुझे चार साहब है तो तुम आख्या जी एक और सुना ना तो एक मेरे वालों एक हो गया बिल्कुल ये उर्दू मैं पहली बार पढ़ लगा लोरियाँ होंगे पंजाबी पर यह उर्दू की लोरी है कहाँ सो से हलीमा ले जाकर कहाँ सो से हलीमा ले जाकर सुनो आज मैं मुस्कुराने लगी कहाँ सो से हलीमा ने जाकर सुनो आज मैं मुस्कुराने लगी हूँ मुझे मिल गई है मोहम्मद की हस्ती मैं खुद शान अपना बताने लगी हूँ मुझे मिल गई है जो दूर बैठे हैं पर दिल के करीब बैठे हैं इधर वाले इधर वाले मैं अम्मा हलीमा की बारगाह में खड़ा हूँ एक शेर पढ़ना आगे आप कहेंगे तो पढ़ूंगा अम्मा कह रही है है वह शम्स चेहरा तुम मज़ाक आँखें है वल्लेल ज़ुल्फ़े के तारीख रात थोड़ा इम्तिहान है इस शेर समझना जरा है वह शम्स चेहरा तुम मज़ाग आंखें है वह लैल ज़ुल्फ़े की तारीख रातें अम्मा कह रही कहो मेरो माँ से संभल कर तलू कहो मेरो माँ से चांद सूरज नु आखो मेरे संभल के निकलन कहो मेरो माँ से संभल कर तलू मैं वल्लैल ज़ुल्फ़े हटाने लगी हूँ कहो मेरो माँ से संभल कर तलू मैं वल्लैल ज़ुल्फ़े हटाने लगी हूँ कहो मेरो माँ अगला शेर देवा के दोनों रहने दो एक ही बड़ा हजरत जदों मुस्तफा घर आए
अम्मा दीवानी वाल दी अजीब मोहब्बत अक्षय सुनना जरा अम्मा की कह रही तेरे हुस्न की हर अदा देखनी है मुझे अपने घर में जिया देखनी है जरा रुख से अपने ये जुल्फे हटा दो मैं घर के दिए सब बुझाने लगी हूँ जरा रुख से अपने ये जुल्फे हटा दो मैं घर के दिए सब बुझाने लगी हूँ जरा अपने रुख से ये जुल्फे हटा दो मैं रुख मैं घर के दिए सब बुझाने लगी मैं थोड़ी पूरी याद च मिन्नत नहीं की ते मैं हुण थोड़ी मिन्नत करना पया हाकिम हो के मिन्नत करदा पया हालांकि हाकिम मिन्नत नहीं करदे ऐसे सुनना जरा बड़ी मोहब्बत तशी रखना जी मैं तुम दसना जी जिदी सुभान अल्लाह मुंह च निकले ना अल्लाह करे मर्दी वारी कलमा भी उन्होंने नसीब होवे जिन्हें हुण सवाल निकले अम्मा कहन लगियां ये जो भी कहे मैं वो मानती हूँ मेरे वाले खड़ा रहा इसके खिलौनों को मैं जानती हूँ ये जो भी कहे मैं वही मानती हूँ हाँ इसके खिलौनों को मैं जानती हूँ थोनू कसम जी ने तो पैदा किया है देखना जरा हाँ इसके खिलौनों को मैं जानती हूँ नजर इसकी उंगली पे रखना है हाकिम नजर इसकी उंगली पे रखना है हाकिम मैं अंबर पे चंदा बुलाने लगी हूँ नजर इसकी उंगली पे रखना है हाकिम मैं अंबर पे चंदा बुलाने लगी हूँ कहाँ आंसुओं से हलीमा ने जाकर सुनो आज मैं मुस्कुराने लगी हलीमा पढ़ा अम्मा हलीमा अलैह सलाम को पढ़ा हजरत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैह को पढ़ा मैंने हजूर को पढ़ा मैंने पिंड च मिला दे ते जिवें समझो भाई सामने बैठा नकीब उन्होंने आखे भी आखो भी नारे तकबीर वो अगू आखना अल्लाह अकबर ते मैं उन्हें कोल बैठा नकीब गल किसी ने सुनी मैं ही सुनी क्योंकि वो बोले इस तरह का बंदा वो बंदे ते मैं करीब ते वो नकीब दे बैठा नकीब आखे आखो नारे तकबीर मोट जी बिना दी होंगी सिलसिला नहीं यार मजा नहीं आया दोबारा नारे तकबीर बंदा अल्लाह अकबर आखे मुड़ नहीं आया चस नहीं आई गल जोर ला के आखो नारे तकबीर तो जो कुछ अट बैठा वो कहीं कर वो बैठा तो याद शक्ल वो इंजी बैठा जी मैं बैठा उन्होंने हौली जी पैके क्यों गाटा तो कौन गद्दी खड़े हैं गाटा तो कौन गद्दी खड़े हो माशाल्लाह मैंने सारा पता है ठीक है बहरहाल हूँ मैं क्यों जी हाँ भाई तुम भी गाटा कौन गद्दी खड़े हो आए पंजे च पहला शेर है सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब जात मुहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब जात मुहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब तुसी अबू तालिब खुश होके सुन रहे हो एक जरा हाथ उठाने खुश होके बैठा जरा
हलीमा है जी सरकार दे लबो रुखसार चुमदी रही हुण जरा शेर मजा लेना है अथरू पुजेंदा है कदी गल नल लेंदा है दुख सारे अहमद दे आप वंडेंदा है फिर कहना पैना बने मुहम्मद दा गम खार अबू तालिब जात मुहम्मद दा परदार अबू तालिब इदा भी आखरी शेर शेर जड़े तेल पीछे मौला हुसैन वल्द मौला अली वल्द अबू तालिब मौला हसन वल्द मौला अली वल्द मौला अबू तालिब शहजादे अली अकबर वल्द मौला हुसैन वल्द मौला अली नारे तकबीर बावाज़ बुलंद बोलिएगा नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी अकबर अली असगर वल्द मौला हुसैन वल्द मौला अली वल्द अबू तालिब मौला कासिम वल्द मौला हसन वल्द मौला अली वल्द अबू तालिब हाकिम सोने दा कदी कहना मोड़िया नहीं तन्हा मुहम्मद नू किसे मोड़ ते छोड़िया नहीं सारी नसल हक तो दिती वार अबू तालिब जात मुहम्मद दा परदार अबू तालिब जात मुहम्मद दा परदार अबू तालिब शेर है दो अब रखे तीन रह गए मैं तीन दा पंजा दा वादा कीता है हजरात कुछ बंदे सौंक भी समान ला सकदे पर वेंदा नहीं पे कुछ बंदे झूठे भी लेंदे ते जी उन्हां नूं ना ना झूमदे नहीं वैसे एक बंद एक बंदा सौ रहा है ते पिछली सीट ते बैठा है ते अगे एक माई बैठी तो ते सिर उहदा विच उहदे पर मुझ जज वजदा है उसल माई आके पी सकता है मैं केड़ा कमजोर होया हुंदा है एक कुछ कमजोर होए पर क्या जी मैं देख रहा पीछे बैठे सुभान अल्लाह भी आखी जंदे ना झूली भी जंदे भी सुभान अल्लाह तो उठ जाके मंजी ते सहजा जाके आ ज्यादा हो गया जोड़ी सुननी जोड़ी सुननी जोड़ी जोड़ी इया दे भाई दी जद मैं कार तो उतरया ना उन्हें फौरन कह जा जोड़ी सुना दे पर मेरा दिल करदा है भाई जिंदे विचू ए जोड़ी जमी उस जोड़ी नु पहले पढ़ लो ते फिर आखरी शेर दो पाक मिल रहे हैं जोड़ी कमाल की है दो पाक मिल रहे हैं ये निकाह है ये शादी है बीबी जहरा की और हजरत मौला अली की उसका एक शेर पढ़ता हूँ फिर जोड़ी पढ़ता दो पाक मिल रहे हैं जोड़ी कमाल की है कह सबके दिल रहे हैं जोड़ी कमाल की है दो पाक मिल रहे हैं दो पाक मिल रहे दो पाक मिल रहे हैं जरा चंद है कि मैं भी मेरी नस्ल पाक हो जाए इन्हों पाक मनने के हाथ चुके एक हाथ बीबी जहरा पाक वास्ते थे एक हाथ मौला अली वास्ते दोवां दी शादी है तो शादी का जोड़ा शादी शामिल है वह हाथ चुकेगा एक गल मेरी जिंज रखना यह मेरी जिंज रखना हथ ले शादी के कार्ड को अठ दस दिन पहले को महीना पहले छपते हैं मुड़ वरताने भी होंगे ये नहीं कि तीन दिन पहले छपते हैं ये आखिर मौला अली की शादी है ये जो रूह खलकियां गई ना रूह ये उदों ही वरती गए अज वही बंदे आ चुके समान लगे जिन्होंने कार्ड मिले
ਅਣ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਾਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਤਰੀ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਪੜੋਂ ਕਾ ਚੂਹੀ ਪੂਛਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਕੱਪੜੋਂ ਕਾ ਚੂਹੀ ਪੂਛਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਸਿਲ ਰਹੇ ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ, ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਸਿਲ ਰਹੇ ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ, ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਜੋੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਬ ਇਸ ਜੋੜੀ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰੀ। ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਬ ਦੋ ਮਿਲੇ ਦਰਿਆ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਲੋਲੋ ਮਰ ਜਾਣ, ਜੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਜੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਵੇਖੋ ਖੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਨੂਨਾ ਤੋਂ ਤਨਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਤਨਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਜੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਾ ਕੈਸਾ। ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਮਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਪੜਾਵਣ ਜਾਂਦੀ ਬਿਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਤੇ। ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਜਬਰੀਲ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੁੰਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆਂਦਾ ਜਬਰੀਲ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਿਆਈ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਗੱਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ।
महफिल तुसा जानी है, मैं तो पढ़ना ही है। हजूर उठ के एक छोटी गल नहीं है, सरकार का इधर आ बैठ कभी बरीक ना सुनया कर, इतों उठ के मुस्तफा सजे पास आ गए तो बीबी पुछ रही है ये चला गया कि जे खड़ा है, अजय खड़ा है। उन्हें आप ने सुना नहीं अजय खड़ा है, यानी इस पास भी हजार तो खड़ा हा, इस पास आ गया तो अजय भी खड़ा है। अखे तुम तो उठी हो ना तो मेरी जोड़ी च बह जाओ। नबी पाक उठे तो बीबी पाक अपनी जौजा की गोद च बह गए तो पुछणगे ये अजय चला गया जे खड़ोता है, फरमाया अजय खड़ोता है। बीबी ने थोड़ा जो दुपट्टा अपना पीछा करना शुरू किया, सिरकाना शुरू किया तो पुछया ये अजय खड़ा है या चला गया। हजूर फरमाया चला गया। फरमाया मुबारक हो नबी हो तो सच्चे नबी हो। मैं आजमाना हाँ भी ये शैतान या फरिश्ता है, जे शैतान होता तो मेरे दुपट्टे के लवण का इंतजार करे, जो दुपट्टे लवण तो पहले टुर गया फरिश्ता है। तो मालूम है जो पाकों का हया करे वह आप ही पाक होंगे तो जबरील का मान ही होंगे, तो जो पाकों का हया ना करे बंदा शैतान होता है। माँ पाक खदीजा बाप नबी पुत हसन हुसैन ते शहर अली जिस जाविये नाल भी वेख लवो तत्हीर नबी दी बन दी जोड़ी रल के खड़े जे जहरा दी तस्वीर नबी दी। समझो मेरे को फीता है जो दर्जी को शेर पढ़ना था सुनना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन है जी है, तेरा आलमीन का लफ्ज किसी होर भी लगता है, अखे जी नबी नाल भी लगता है। रहमत लिल आलमीन, अल्लाह भी आलमीन है, मुस्तफा भी आलमीन है, यानी हद हदूद का तयन कोई नहीं। जिथों तीक खुदा दी खलकत है उथों तीक नबी दी रहमत है। फिर माप के दसखा तू कितनी जागीर नबी दी बन दी, फिर माप के दसखा तू कितनी जागीर नबी दी बन दी। आखिरी शेर मकता सुनना दरा, बल्कि नहीं एक शेर मेरा हो रहा है, मैं दरवाजे में वापस जा रहा हूं, एक शेर मेरा हो रहा है बस। बड़े बड़े इश्तहार लगे ने इस महफिल दे, मैनू पैंदा वेख इश्तहार पढ़ो, मैं पढ़िया इश्तहार लगे ने, मैं कि किथे किथे लाए ने, कि बड़ी दूर दूर तक लाए ने, और चौक च लाए, और गली च लाए, और पिंड च लाए। मैं कहा तू सिर्फ पिंड तक लाए, आ तेन दसा इश्तहार 14 सदियां पहले उदो कागज वाले नहीं होंगे सन, एक कोई भी कुर्ते में इश्तहार भी होंगे, जिस बंदे दे मगर कोई गल आ छड़े होंगे तू चंगे मेरे इश्तहार छपाए, अलग इश्तहार छपते नहीं, मूंह गलू गल ही होती। तैबा तुहा की करबल तई करबल तू लेके शाम तई सारा सफर सैयद ज़ैनब दा तशहीर नबी दी बन दी, सारा सफर सैयद ज़ैनब दा तशहीर नबी दी बन दी जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बन दिए। असवे वादा आखिरी शेर, दरवाजे से आया था दरवाजे से जा रहा हूं। उसी जगह पे बस थोड़ी कटा के उसे आन दे। हा नबी सदया अली नो अज मौला
नबी सदे अली नू अज मौला उन्हें सदे जो आलात है ओला ते क्यों ना सी मौला मनिए मनिए क्यों ना सी मौला मनिए क्यों ना सी मौला मनिए बड़ा मजमा है। एक सवा लाख साहबा ने अली इधरा उत्ते आ हाथ फड़ा इंज होया जिस जिस का मैं मौला उस का अली मौला अगर हाथ वो उठाए वो हाथ उठाए जिस जिस का है वो हाथ उठाए उसे की होया सुनो जरा इको शेर पढ़ना मन दे ने मौला जेड़े बंदे मशकूक ने मन दे ने मौला जेड़े बंदे मशकूक ने मौला मौला पहले मने आए उमरे फारूक ने मौला पहले मने आए उमरे फारूक ने जदों किसे भी नहीं पाया उथे रौला जदों किसे भी नहीं पाया उथे रौला क्यों ना सी मौला मनिए मनिए क्यों ना सी मौला मनिए हाँ के मस सच सच दुनिया नुके आए नबी नबी दाते अली दा खून एक जे आए नबी दाते अली दा खून एक जे आए जदों फर्क नहीं एक माशा तोला क्यों ना सी मौला मनिए मनिए आखिरी बार हाथ उठा के कहना है क्यों ना सी मौला मनिए ओने सदिया जो आलात है ओला क्यों ना सी मौला मनिए नबी सदिया